हेलो हाय दोस्तों, मैं हूँ साजिदा। फ्रेंड्स, जैसे ही जैसे मौसम शुरू होते हैं, बदलते हैं, क्लाइमेट चेंज होता जाता है, वैसे बच्चों को इन्फेक्शन होना शुरू होता है। चाहे वो सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, खांसी हो, चाहे जो भी इन्फेक्शन हो। तो दोस्तों, अगर आप बच्चों को बचपन से लेकर दवे की आदत बहुत कम मात्रा में डालेंगे, उतना ही बच्चे को अच्छा होगा। दोस्तों, आप क्या कर सकते हो? अगर हल्का फुल्का कुछ चीज़ है जैसे सर्दी खांसी ज़ुकाम, तो आप घर में ही कुछ ट्राई कर सकते हो। तो आज मैं आपको वही बताऊंगी, आज मैं सिंपल सा खांसी के लिए बताऊंगी। दोस्तों, कई लोगों ने मुझसे कहा है, मैम खांसी के लिए कुछ बताइए रेमेडी। तो मैं आज आपको बहुत ही सिंपल सी और आसान सी रेमेडी बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ले लेती हूँ अदरक। दोस्तों, अदरक एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो खांसी के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो हमें अदरक ले लेना है। देख सकते हो आपने, मैंने अदरक को छील लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसको हमें घिस के इसका जो जूस है वो ही हमें उसका काम है, हमें वो लेना है। तो दोस्तों, इसको अच्छे से घिस के इसका हम हाथों को अच्छे से क्लीन करके इसको स्क्वीज करके इसका जूस निकाल लेते हैं। तो चलिए मैं आपको निकाल कर बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, हाथों की हेल्प से आपको इसको सारा जूस निकाल लेना है अदरक का। जितना भी आप निकाल सकते हो निकाल लो, और जो बाकी का बचेगा दोस्तों, आप चाहो तो उसको आप चाय वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हो, वरना इसका जूस तो निकल ही गया है, बस थोड़ा बहुत फ्लेवर आ जाएगा। तो ये देखिए, ये हो गया है। अब इसको मैं साइड में रखती हूँ और एक छोटी सी तपेली में मैं इसका जो जूस है वो छान के डाल दूँगी। तो दोस्तों, अब मुझे इसमें थोड़ा सी पानी लगेगा, इसमें मैं बस 1 चम्मच के जितना पानी इस्तेमाल करूँगी। ज़्यादा पानी वगैरह की इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जो कटोरी में फ्लेवर लगा हुआ है अदरक के जूस का, ये हमें पूरा पोषण चाहिए, तो इसके लिए मैं ले रही हूँ। तो देखिए, इतना मैंने ले लिया है पानी। अब इसको हमें 1 मिनट के लिए पकाना है, तो चलिए गैस चूल्हे की तरफ चलते हैं। तो 1 मिनट के लिए इसको मुझे सिर्फ पकाना है मीडियम फ्लेम पे, तो मैं इसको पका लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, इतना सी हमें बनाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब भी बच्चों को खांसी वगैरह आए तो आप फटाफट से ताज़ा बनाकर दे दीजिए। साथ में आप देख सकते हो मैं गुड़ भी डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, इसमें गुड़ बहुत ही अच्छा होता है खांसी के लिए, तो स्पेशल मैं आपको बता रही हूँ, ये देसी गुड़ है। दोस्तों, आपको जो भी गुड़ मिलता है आप वो डाल दीजिए। तो बस 1 मिनट ही हमें पकाना है। अब 1 मिनट पूरे हो गए और ये पक के अच्छे से थोड़ा सी कलर चेंज हो गया है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ, इसको थोड़ा सी ठंडा करना पड़ेगा दोस्तों, इसमें थोड़ा सी इंग्रेडिएंट्स और लगेगा। तो चलिए इसको ठंडा कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सी ठंडा हो गया, यानी कि ये गुनगुना हो गया है। अब हमें इसमें ऐड करना है थोड़ा सी शहद। शहद और गुड़ भी हमारे बच्चे की खांसी के लिए बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों, और दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो खांसी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। जो भी कफ अगर सीने पे जमा है वो भी निकल जाएगा दोस्तों। और साथ में आप एक काम और कर सकती हो, राई का जो तेल होता है उसे आप नाक में हल्का हल्का गर्म करके लगा दीजिए दोस्तों। बच्चे के हल्का गुनगुना होना चाहिए, आप पहले ट्राई कर लो, उसके बाद ही लगाओ। बच्चे को डायरेक्टली मत लगाओ फ्रेंड्स, मैं आपको ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी। तो आपने देखा, मैंने थोड़ा सी हनी ले लिया है। अब इसको मिक्स करके मैं जो है आपको दिखाती हूँ, ये बनकर रेडी हो गया है। तो दोस्तों, आप लोग ने देखा कितना झटपट से आसान तरीके से बनकर तैयार हो गया, कुछ ही मिनटों में बन गया है दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेक श्योर आप इसे लाइक और शेयर करें।